एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि फेल टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए फेल टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फेल टू का मतलब होता है चूक जाना, यानी जब आप किसी काम को करने से रह जाते हैं या चूक जाते हैं तो वहां आप कहते हैं फेल टू, और इसका पास्ट फॉर्म होता है फेल्ड टू। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं वह नौकरी पाने से चूक गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल टू गेट दैट जॉब, यानी मैं वह नौकरी पाने से चूक गया, मैं परीक्षा देने से चूक गया, या मैं एग्जाम देने से रह गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अगर आपको कहना हो वह इंग्लिश सीखने से चूक गया या वह इंग्लिश सीखने से रह गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही फेल्ड टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना हो मैं टाइम पर आने से चूक गया या टाइम पर आने से रह गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल्ड टू कम ऑन टाइम, यानी मैं समय पर आने से चूक गया या रह गया। अगर आपको कहना हो मैं सही जवाब देने से चूक जाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल टू आंसर करेक्ट, यानी मैं सही जवाब देने से चूक जाता हूँ। यहाँ मैंने बोला फेल क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, फेल टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और फेल टू का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको कहना हो कोई इंसान किसी काम को करने से रह गया या करने से चूक गया, तो वहां पर आप फेल टू या फेल्ड टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।